हाय दोस्तों, आप सभी ने ध्रुव राठी का नाम तो सुना ही होगा। ध्रुव राठी एक ऐसा व्यक्ति है जो कैमरे में आंखों में आंखें डाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और झूठ बोलता है। हाल ही में उसकी एक नई वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन के अगेंस्ट बातें की थी। जो भी नया बिल लाया गया है रिजर्वेशन के लिए 10% का, उसे अब वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसे लोग पकड़ भी लेते हैं। और मुझे लगा कि भाई इतने झूठ बोलने के बाद कैसे कोई किसी को पकड़ नहीं पाता है। लेकिन जब मैंने भी उसके वीडियोस में देखा कि कितने झूठ उसने बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज ही इज इनिमिकल टू मोदी। अब प्रॉब्लम यह है कि इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट में कौन बोल रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ एक प्रोपोगंडा फैलाना है अपने वीडियोस के थ्रू। इसकी लेटेस्ट वीडियो जिसमें इसने रिजर्वेशन के अगेंस्ट बातें की थी, मोस्टली इसकी वीडियोस में रिजर्वेशन हो या कोई भी टॉपिक हो, सिमिलैरिटी आपको बस यही मिलेगी कि ये मोदी के अगेंस्ट बातें करता है और कुछ नहीं है। तो इसकी लेटेस्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन देखा इसका, तो मैं अकेला नहीं था। इसके कमेंट सेक्शन में 80% कमेंट जो हैं वो इसके अगेंस्ट में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 80% कमेंट वीडियो जो है, वीडियो के नीचे जो कमेंट हैं वो इसके अगेंस्ट में आए हैं, क्योंकि सबको हकीकत पता चल चुकी है। लेकिन ये इंसान इसके बाद भी इतना शेमलेस इग्नोरेंट व्यक्ति है कि इतने हेटफुल कमेंट के बाद भी, इतने करेक्टिव कमेंट के बाद भी इस बंदे ने अपनी वीडियोस को कभी सुधारने का जिम्मा नहीं उठाया या फिर कोशिश भी नहीं की। एटलीस्ट अपोलॉजी तो दूर की बात है। तो चलिए मैं आपको यही दिखाता हूँ कि कैसे इस बंदे के वीडियो के नीचे आप भी देख सकते हैं कितने सारी गलतियों को करेक्ट करने के लिए लोगों ने स्टेप लिए हैं। सबसे पहला गलती तो भाई स्टार्टिंग में ही कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे 9 जनवरी 2018 लिख के रख रहा है, 2019 चल रहा है जबकि। तो इससे पता चलता है कि भाई का पूरा पूरा प्राइम फोकस वीडियो में सिर्फ यही रहता है कि कैसे मोदी के हर एक मूव को गलत बताया जाए। डेट चाहे 2018 की लिखो, चाहे 1964 की लिखो, चाहे 2012 की लिखो, कोई मतलब नहीं रहता। कमेंट देखते हैं। सबसे पहला कमेंट, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक, ठीक है। अंत में भाई कह रहा है नौकरी ही नहीं आरक्षण का क्या होगा, मेरे भाई शिक्षण संस्थाओं में भी मिलता है, अंध सरकार विरोध में अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहा। भाई तुझे मोदी से कुछ पर्सनल दुश्मनी है क्या? फॉर द सेक ऑफ ध्रुव राठी प्लीज वोट फॉर मोदी, ही वोंट हैव एनीथिंग टू डू विद मोदी इफ नॉट पीएम, प्लीज सपोर्ट ध्रुव राठी। ये एक, जिनको नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इट इज़ अ सरकैज़म, ठीक है, ये एक सरकास्टिक कमेंट है। यू आर अ ब्रेन वॉश डियर, एजुकेशन इज अ सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इंक्रीज लिटरेसी रेट, सी द चेंज। ये चलिए एक न्यूट्रल कमेंट है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, एक न्यूट्रल कमेंट है। दिस डिसीजन इज ऑसम, वॉट एवर यू वॉन्ट अ बार्क यू कैन। भाई पहले कुछ पढ़ लिख लिया होता आरक्षण के बारे में, कितने गलत तथ्य दिखाए हैं तूने, तुझे ये भी नहीं पता कि अनारक्षित में हर कोई आता है। हाँ, ये कमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि इस व्यक्ति ने, राठी ने अपने वीडियो में ये कहा था कि जो नॉन रिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी की सीट है, जो 50% जो नॉन रिजर्व सीट होती है, जिन्हें हम ओपन कैटेगरी भी कहते हैं, उसने टर्म यूज़ किया था कि ओपन कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो उसे ये नहीं पता कि ओपन कैटेगरी में हर कोई आ जाता है, एस टी एस सी ओ बी सी के जो टॉपर रहते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली कई बार ओपन कैटेगरी में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। राकेश मिश्रा जी भी इनके अगेंस्ट में बात करते हैं, यादव निमजे ये भी इनके अगेंस्ट में बातें करते हैं, भानु प्रताप जी इनको ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा बहुत अगुस्ता वेस्टलैंड इस टाइप की चीज़ों के बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए। भाई तूने हाई लेवल का वीड फूका है, कहाँ से हो आप, अपने सब्स को भी बढ़ाते जा बता दो जरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप कौन से देश का, कहाँ का आप जो गांजा है वो इस्तेमाल करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं इनके इस वीडियो पर। इस बार तो तूने हद कर दी, काश तूने इंडिया की सोशल स्टडी की बुक पढ़ी होती। सही बात है यार, समाज विज्ञान की अपनी बुक पढ़ी होती तो चीज़ें नहीं होती है ऐसा सामाजिक विज्ञान की। योर एनालिसिस इज़ वेरी नॉनसेंस, ये जुमला बता रहा है, और इसके भाई कह रहे हैं ट्रांसजेंडर को भी रिजर्वेशन दो, लॉल। इसके भाई का मतलब है जो ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं मैक्सिमम, जो मोदी जी के बारे में बातें करते हैं, वो लोगों की बातें यहाँ पर हो रही हैं। अब ये अकुल जायसवाल भी इन्हें करेक्ट करने की बातें कर रहे हैं, नहीं सॉरी, अकुल जायसवाल जी इनके फेवर में बातें करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक कमेंट इनके फेवर में है, जैसे हमने अभी 20 कमेंट 10 कमेंट देखे, उनमें ये एक पहला कमेंट है जो इनके सपोर्ट में, जैसे मैंने कहा 80% 85% कमेंट इनको करेक्ट करने के लिए इनके अगेंस्ट में है, इनको गालियाँ दे रहे हैं लोग, 15% इनके फेवर में है। निशा माधव जी लिखती हैं, अच्छा बता ये नौकरी नौटंकी फ्री में करते हो या इसके पैसे मिलते हैं? ध्रुव राठी जी से पूछ रही हैं वो, तो कितना भी ट्राई कर ले तेरा बाप मोदी 2019 में चुनाव जीत के ही रहेगा, इसको सिर्फ मोदी का विरोध ही करना है। डू यू हैव लिटिल नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पूरा सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो से बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ये भी एक फेवर में, डेफिनेटली ये भी एक फेवर में है, फेवर में इन द सेंस ये मोदी के अगेंस्ट में है, तो डेफिनेटली चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो मोदी के आप अगेंस्ट में बातें करेंगे तो
ये ध्रुव राठी का सपोर्ट आपको करना बनता ही है, तो ये भी एक सपोर्ट में है नो डाउट। ये एक न्यूट्रल कमेंट है, ये सपोर्ट में है फेवर में ये समझ में नहीं आ रहा, एक न्यूट्रल कमेंट है ये। हाउ लॉन्ग विल यू कीप लाइंग, अगेन बातते हैं फिर से हेटेड कमेंट। हाउ लॉन्ग विल यू कीप लाइंग, वन डे यू विल डेफिनेटली पे एन हार्श प्राइस फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। ये भी ध्रुव राठी को सबक सिखाने के लिए है। अरे ध्रुव राठी घोचू समझ, धीरे धीरे ये रिजर्वेशन ही निकाल देंगे, उसका ये फर्स्ट स्टॉप है घोचू है। ये भी ध्रुव राठी को घोचू कह रहा है, ये एक सपोर्ट में कमेंट है। कुछ करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम, आखिर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये भी ध्रुव राठी को आईने दिखाने के लिए काफ़ी है। साले कुत्ते, तो यह सिर्फ मोदी ही दिखता है जिन्होंने गरीबों के लिए कुछ तो किया, ये फिर गाली है। यू आर टॉकिंग लाइक पप्पू, जिनको नहीं पता पप्पू कौन है गूगल सर्च कीजिएगा, पहला इमेज जो आएगा वो पप्पू का होगा। अगर न्यूज़ चैनल बीजेपी के एजेंट है तो तू भी कांग्रेस का एजेंट है भाई, सच्चाई दिखा, पत्रकारिता का धर्म अपना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके क्यों फेक डेटा दिखा रहा है। कितनी सारी है, जैसा कि मैंने कहा कितनी सारी चीज़ें इस इंसान के अगेंस्ट में बातें की गई हैं, कितने लोगों ने उसे आईना दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारे हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आ रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ओवरऑल मैंने काउंट किया लगभग, आप खुद कमेंट सेक्शन इसका खोल के देख सकते हैं, 80% 85% कमेंट नेगेटिव में आई है इस बार मोदी सरकार दोबारा। उसके बाद 20% या 15% जो कमेंट है भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 80% कमेंट लगभग इस बंदे के नेगेटिव में आ रहे हैं, 80-90% लोग ने इसे आईना दिखाने की कोशिश की है, बट स्टिल ये बंदे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये बंदा बस अपना काम किए जा रहा है जो कि है मोदी की बुराई। तो फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो स्प्रेड करने लायक है, ध्रुव राठी की हकीकत बताती है ये कि कैसे वीडियो बनाता है, कमेंट कैसे होते हैं उसकी वीडियोज़ पर, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये तो सच्चाई थी ध्रुव राठी की, जो हमने और आपने देखा कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने बहुत सारी गलतियां की हैं और कैसे लोगों ने इसे समझाने की कोशिश भी की है, बट स्टिल ही हैज़ बिकम इग्नोरेंट, जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता अपने कमेंट पे, और असलियत जो लोग इसे बताते उन्हें करेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करता। देश में न्यूज़ फैलाना अलग बात है, देश में फेक न्यूज़ फैलाना वो भी एक अलग बात है। तो ये बंदा एक फेक न्यूज़ ही फैला रहा है, इसे जल्द से जल्द लोगों के नोटिस में लाने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे आशा है कि आपको मेरे चैनल के बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगे, आप एक बार ये चैनल ज़रूर विज़िट करें। चलिए थैंक यू सो मच।